हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। अभी हम देखेंगे चाइनीज ऑपोजिशन टू यूएस थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन साउथ कोरिया। सो इसका मतलब ये है, चाइना जो है ये ऑपोजिशन कर रहा है यूएस का जो है थर्ड मिसाइल सिस्टम को। ये कहाँ पे है ना, ये साउथ कोरिया में है डिफेंस सिस्टम जो है, ठीक है। सो यूएस का जो है एक बेस है, जो कि डिफेंस बेस है, कहाँ पे ना, साउथ कोरिया में। तो वहां पे जो है ये थर्ड मिसाइल है, ठीक है। सो चाइना उसको क्या है ना, ओपोजिशन कर रहा है कि जो यूएस का थर्ड मिसाइल है वहां पे नहीं रहना चाहिए, इसका ओपोजिशन ये है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। सो चाइना जो है ये क्या है, उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि क्या है ना, उसका जो है लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्जेक्शन है, जो कि अभी प्रेजेंटली ये जो है यूएस का जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कहाँ पे ना, साउथ कोरिया। सो थर्ड के बारे में हम देखेंगे, थर्ड जो है इसका जो फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ठीक है। जो मैंने पहले जो फोटो में दिखाया था, थर्ड जो है एक क्या था, सो आप यहाँ पे थर्ड जो सिस्टम है ये आप देख रहे हो एक व्हीकल है, ठीक है। उसके ऊपर एक क्या है ना, एक मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, दिस इज ए मिसाइल, ठीक है। सो थर्ड का जो फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये एक क्या है ना, ट्रांसपोर्टेबल है ग्राउंड बेस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सो ये ट्रांसपोर्टेबल मीन्स क्या है, ये जो सिस्टम है थर्ड सिस्टम को ये कहीं से भी इसको ले सकते हैं, मीन्स ये क्या है एक व्हीकल के ऊपर रहता है, सो देट इसको मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और एक ये क्या है ना, ग्राउंड बेस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब ये है कोई भी मिसाइल आ रहा है उसको क्या करेगा ना, ये ब्लॉक करेगा, ठीक है। कोई भी एंटी क्या है ना बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है तो उसको क्या है, एंटी मीन्स स्टॉप करेगा, उसको ब्लास्ट करेगा। सो ये जो है पहले जो प्रपोज हुआ था एक, जो कि 1987 में, उसको फाइनली डिप्लॉय किया गया था 2008 में। और एक खासियत ये है, थर्ड जो है, थर्ड मीन्स जो टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, इसको क्या है ना किसी देश में, ठीक है, किसी देश के ऊपर क्या है ना, अटैकिंग जो है अगेंस्ट द एनी एनिमी नहीं कर सकते, मीन्स कोई भी क्या है ना एनिमी के ऊपर इसको अटैक के तौर पर इसको यूज नहीं कर सकते। ये ऐसा मिसाइल नहीं है, ये ओनली एंटी है, मींस क्या है, कोई भी मिसाइल आ रहा है उसको स्टॉप करके ब्लास्ट करेगा, ठीक है। सो इसको, इसका जो डिजाइन है ये क्या है ना, इंटरसेप्ट करता है उसके बाद डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय करता है। सो ये क्या है ना, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करता है ना, इंटरसेप्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। सो थर्ड क्या करता है, इंटरसेप्ट कैसे करता है ना, स्पेस बेस्ड रहता है एंड ग्राउंड बेस्ड सर्विलेंस स्टेशन रहता है। मैंने एक दिखाया था आपको, एक व्हीकल है उसके ऊपर थर्ड है, मीन्स उसमें क्या है ना, सर्विलेंस सिस्टम है, ठीक है, सर्विलेंस स्टेशन है वो। और एक क्या है ना, स्पेस बेस्ड है, वो क्या करता है ना, स्पेस्ड जो है, स्पेस जो बेस्ड है वो मिसाइल का जो है, जो अटैकिंग मिसाइल है उसका जो है सिस्टम का पूरा डिटेल्स देता है सर्विलेंस स्टेशन को। उसके बाद क्या करता है ना, जो इनकमिंग मिसाइल है, ठीक है, वो क्या करता है ना, थर्ड क्या करता है ना, इंटरसेप्टर मिसाइल को क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है उसको मिसाइल को, देन उसको क्या है ना, उसको डिस्ट्रॉय करता है। सो इसको डिजाइन करने के लिए जो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कौन किया है ना, यूएसए कंपनी लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये प्रीवियसली डिप्लॉय हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, मींस यूएई में, गुआम में, इजराइल में, रोमानिया में, ठीक है।
सो इस मैप के सहायता से हम देखेंगे इस जो थार के बारे में। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कोई भी मिसाइल आ रहा है, लेट इट बी ये एक मिसाइल है, ठीक है। मिसाइल आ रहा है, ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये हो गया साउथ कोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज यहाँ पे थार है, ये यूएसए का जो है डिफेंस बेस है थार। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया से कोई भी मिसाइल आया, ये भी एक मिसाइल आया। सो उसके बाद क्या होता है ना, स्पेस जो है, स्पेस बेस्ड जो डाटा, ये सर्विलेंस सिस्टम यहाँ पे, ठीक है, इस यहाँ पे सर्विलेंस सिस्टम है। तो सर्विलेंस सिस्टम क्या करता है ना, इसको क्या करता है ना, इंटरसेप्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, जो थार्ड में जो है जो मिसाइल रहता है वो जाता है, ठीक है। जाने के बाद ये जो आ रहा है मिसाइल को, जो आ रहा है तो उसको जाके क्या करता है ना, हीट करके वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सेम ये जो है, इस सेम प्रिंसिपल में काम करता है। सो बैकग्राउंड देखेंगे इसका, थर्ड जो है इसको डिप्लॉय किया गया है कहाँ पे ना, साउथ कोरिया में, जो कि नॉर्थ कोरिया का जो है, जो वहां पे नॉर्थ कोरिया का जो हरकत है उसको बचने के लिए, काउंटर मेजर करने के लिए। सो ये जो है साउथ कोरिया में यूएसए ने किया है ना, उसका जो डिफेंस सिस्टम को, डिफेंस का बेस बनाया, तो वहां पे पर्टिकुलरली ये जो थर्ड है, इस थर्ड सिस्टम को वहां पे रखा गया है। सो 2017 में क्या हुआ ना, नॉर्थ कोरिया जो है बहुत सारा क्या है ना, टेस्ट फायर किया है फ्यू मिसाइल्स, कहाँ पे ना, जापान जो है, जापान के साइड में, जो कि यूएसए बेस जापान है, तो वहां पे क्या है, बहुत सारा टेस्ट फायर किया है, ठीक है। सो उसके बाद यूएसए क्या किया, उसका जो मिसाइल सिस्टम है उसको मूव करके कहाँ पे लेके आ गया ना, साउथ कोरिया में, ओसान में, ठीक है। सो चाइना इसको क्यों ऑब्जेक्ट करा है, चाइना का ये मतलब है, इसको ऑब्जेक्ट करने का ये मतलब है, क्योंकि चाइना जो है वहां पे, चाइना का जो हरकत है, ठीक है, चाइना कुछ भी करेगा तो यूएसए को पता लग जाएगा, उसका मेन ये जो है प्रॉब्लम है। सो देट वो क्या क्या है ना, ये इसको अपोज कर रहा है, चाइना इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है एक क्या है, पोजेस है, जो कि फॉर द साउथ कोरिया के लिए क्या है ना, नॉर्थ कोरिया जो है एक न्यूक्लियर थ्रेट है, ठीक है। तो साउथ कोरिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो थर्ड सिस्टम। सो यूएसए एंड साउथ कोरिया का जो रिलेशन है बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और क्या है ना, कंसिस्टेंटली मेंटेन एंड मिसाइल आर ओनली द काउंटर पोटेंशियल थ्रेट बाय द नॉर्थ कोरिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।